दोस्तों बिग बॉस वाला के वीकेंड का वार का शूट स्टार्ट हो गया है और वहां से बड़ी खबर सामने आई है बताता हूँ पूरी खबर शुम्बुल के फैन में वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें मालूम चल सके कितने शुभुल के, के फैंस जो उनको सपोर्ट करते हैं ढेर से आप प्यार करते हैं वरना लगता है दोस्तों ज़्यादा हेटर्स वीडियो देख रहे हैं इसलिए वीडियो को दबा के लाइक जरूर कीजिए दोस्तों घर के अंदर जो है यहाँ पे वीकेंड का वार का शूट थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ है और इस हफ्ते के कुछ बड़े मुद्दों पर बात की जानी है दोस्तों आप सभी लोगों ने इस वीक को पूरे गौर से देखा होगा आप सबके हिसाब से दोस्तों इस पूरे वीक में कौन कौन सी बड़ी चीज़ें हैं जिस पर बात होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा मैं हूं यहां हुआ क्या और किस टॉपिक पे बातचीत हुई है। दरअसल दोस्तों यहाँ पे जो है साजिद ने कुछ दिनों पहले ही दो दिन पहले वीकेंड से सुम्बुल के पापा की लिखी हुई चिट्ठी आई थी घर के अंदर जहां पे उन्होंने कविता लिखी थी कुछ सुम्बुल के लिए जो जो कविता जब यहाँ पे पढ़ा गया था उसके बाद जब वो मेहमान घर से बाहर चले गए थे राशन टास के दौरान तो साजिद उनके निकलते ही सुम्बुल के फादर की आई कविता को पोयम की तरह बता करके घटिया और बर्बाद बता करके यूजलेस बस बता करके दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे उनका कहीं ना कहीं अपमान किया दो और बहुत ही बुरी तरह से मॉक करने की कोशिश की थी साजिद ने जिसको लेकर के सलमान ने बताया कि आपको पिछले वीक भी मैंने साजिद समझाया था कि आपकी बात है ह्यूमर में जो आप बोलते हो वो हमेशा ह्यूमरस नहीं होती हैं वो कुछ लोगों के सेंटिमेंट को बहुत आराम से हर्ट कर देंगी क्योंकि आप चीज़ें ही ऐसी बोलते हो वो कहीं से भी ह्यूमरस तो नहीं है आपने उनके पापा की चिट्ठी के बारे में कह दिया कि वो पोएम की तरह लग रहा था जबकि एकदम गलत बात सही है उनके फादर जैसे भी हैं सही